हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आप सबको पता है मैं कुछ दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन थी। मतलब मैं बेंगलोर को गई हुई थी। तब जितने भी आसपास थे, अब बेंगलोर से हम लोग वापस रिटर्न हो रहे थे, वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे नर्सरीज रोड साइड जितने भी मिले थे, मैं वहाँ सब पर विज़िट कर आई। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लाई क्योंकि लाने जाने में बहुत दिक्कत थी और स्पेस भी कमी थी हमारे यहाँ। हम लोग कार से गए थे तो फुल लगेज वगैरह था, तो मैं कुछ लाई नहीं। तो ये सब वही नर्सरीज है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। ये पूरे सेकुलेंट्स के एक कॉर्नर है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे में बहुत ही अच्छे और हेल्दी प्लांट्स थे, वहाँ पर हम गए हुए थे। तो नाम मत पूछिएगा, नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि रोड साइड थे। जो छोटे छोटे तीन तीन या चार नर्सरी मैंने घूमी है और मैं अलग अलग सभी छोटे छोटे क्लिपिंग्स इसमें वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए इस साइड बहुत सारे ऐसे बिग सिटीज़ में तो बहुत सारे नर्सरीज जो है आपको मिल जाती है, ऑप्शंस भी ज़्यादा रहता है और मटेरियल भी ज़्यादा मिलता है। तो मुझे ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ख़रीदूँ, लेकिन हमारे यहाँ लगेज भी ज़्यादा थे, लोग भी ज़्यादा थे, तो कार में कुछ जगह नहीं था। तो एक दो प्लांट ही लाए, लेकिन वो भी लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग अपने गोदी में लेकर आए थे। तो इस समय जो लॉकडाउन के चलते और महंगा भी हो गया है और कुछ न्यू सप्लाईज और विंटर की तैयारी, जो इस समय ज़्यादातर नर्सरीज़ में फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह आ जाते थे, लेकिन इस टाइम मुझे लगा कि नहीं आए हैं उतना। लेकिन सभी इंडोर प्लांट्स और ग्रीनरी जो चाहिए थी वो सब तो था, सीज़न वाइज नहीं था। यहाँ पर जितने भी नर्सरीज मैंने देखे थे वहाँ पर सीज़न वाइज कुछ भी नहीं था। रेगुलर प्लांट्स होते हैं और हैंगिंग्स वगैरह में, वो सब में वैरायटी और बहुत सारे क्वांटिटी में भी था। फ्लावर्स के तो बहुत कम दिखे मुझे सारे नर्सरीज़ में। अगर आपके शहर में भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि लॉकडाउन के चलते क्या क्या होने वाला है। और इस बार बेंगलोर में जो है लालबाग में हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहाँ पर फ्लावर शो होता था, इस समय वो भी कैंसिल था और अंदर भी किसी को नहीं जाने दे रहे थे। हमने आते आते उसको भी विज़िट किया था लेकिन अंदर जाने नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, ये अगली नर्सरी है जो आगे निकल गए तो एक छोटा सा और मिल गया था। वहाँ पर पॉट्स की वैरायटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी और खाद वगैरह भी था। जो ये हम छू के बता रहे हैं ये DAP है और ये DAP हाफ KG भी नहीं है और इसका प्राइस उन्होंने बताया कि 160। तो इसी के चलते मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी और मेरे यहाँ तो बहुत कम 30 रुपये में या 40 रुपये में जो खेत वाले लेकर जाते हैं उनके यहाँ से थोड़ी थोड़ी मुझे दे देते थे। और वैरायटी में इंडोर प्लांट्स में भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे, वही लेने आने की तकलीफ़ में मैं छोड़ कर आ गई। मन तो बहुत था, लालच बहुत आ रहा था और मुझे इस नर्सरी में अच्छी लगी थी वो पॉट्स की थी। पॉट्स बहुत ही अच्छी यहाँ सकुलेंट्स है, छोटे छोटे पॉट्स वगैरह थी, वो कहीं टूट ना जाए जर्नी में, तो मैं इसलिए नहीं ला पाई। पिंगानी के थे सभी। अगर हम घर में ही पहले ही ले जाकर घर में रखते और उसे अच्छी सी पैकिंग कर लाते तो वो अलग बात था। अभी यूं ही जगह की कमी में ये सब ले जाना बहुत मुश्किल था। तो ये छोटे छोटे ही थे तो बहुत महंगे बता रहे थे। ये देखिए बहुत छोटे, ये चाय की कप की साइज़ की है, वो मुझे 150 में बता रहे थे। तो ये सब 400, 500, 600 ये सब वैरायटी में थोड़े बड़े में बता रहे थे। मुझे यही सब कुछ बहुत लालच आ रहा था लेकिन छोड़ कर आ गई मैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी परचेज कर लूँगी मैं। तो ये नेक्स्ट और एक नर्सरी था, वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स, कुछ पॉट्स, कुछ हैंगिंग्स थे। तो देखिए थोड़ी सी आइडिया आ जाए
कि हम क्या क्या यहाँ साउथ इंडियाज़ में बहुत महंगे प्लांट्स बिकते हैं, बहुत महंगे। ये प्लांट गिर गया था, मैं उसको उठा के रख दी थी, मेरे हाथ से ये बिल्कुल नहीं गिरा। और यहाँ पर भाई साहब जो है वो अपना काम कर रहे थे, हम पूछ रहे तो कुछ भी रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे, पता नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछी भी, और ज़्यादा मैंने यहाँ पर कोई भी मन लगा कर देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लांट्स उतने मुझे हेल्दी नहीं लग रहे थे, बिखरे बिखरे हुए थे। और यहाँ पर एक भाई साहब जो है वो काम कर रहे थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए वो पॉटिंग मिक्स बना रहे थे, मैं देख रही थी ध्यान से कि वो पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं। जो नॉर्मल मिट्टी थे और वही से में थोड़ी सी कोई खाद मिलाया था, उसके ऊपर एक पैकेट भर कर उन्होंने DAP डाला था। इसमें छोटे छोटे दाने जो दिख रहे हैं, पॉज कर कर देख लीजिएगा, वो सब DAP था। तो मैं उसी चलते बहुत कम प्लांट्स लेकर आई थी, कुछ भी नहीं, दो क्रिसेंथेमम के उठा कर लाई थी, दो कलर्स में, एक पिंक में था और एक वाइट में था। पिंक को मेरा लेना नहीं था, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स उसमें आए हुए थे। और ये जरेनियम है, ये ऑल टाइम फ्लावरिंग वाइन बोलकर मुझे दिए थे उन्होंने। और ख़ासकर मैंने कार्नेशन का लिया था, ये कार्नेशन प्लांट्स है छोटे ड्राफ्ट में, जो मैंने तीन पौधे छोटे छोटे हैं वो खरीदे हुए हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स में थे। और उसके चलते ये एक फ्रूट प्लांट मिला मुझे, मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। ये स्टार फ्रूट प्लांट है फ्रेंड्स, और ये बहुत लंबा था। देखिए लेकर आने में मुझे ऊपर का जो है वो टूट गया, वो टूट कर मैं लाई, अभी 15 दिन तो हो गया मैं आके। और ये सब देखिए साइड से बहुत ही अच्छी सी शूट निकल कर आई है, जब ऊपर का टूट गया तो साइड से ब्रांचेस निकल रहे हैं। और ये सूखा हुआ है, इसी में है, तो मैं ये सब आज काम करूँगी। और यहाँ फ्लावर भी प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो मैं इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं इसे लगा दूँगी, वो वीडियो मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करती हूँ। तो इस बस इतना ही मैंने लिया है।